आपको बता दूं, यहाँ देख सकते हैं यूनिक चीज के अलावा कुछ देख सकते हैं आप, तेज पत्ता जो बताया जाता है, और मैं आपको आइए दिखा रहा हूँ दोस्तों, हींग का पेड़ यहाँ प्रिंसिपल साहब के द्वारा बताया जा रहा है, यहाँ हींग का पौधा भी लगाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हींग का पौधा है दोस्तों, आप देख सकते हैं हींग का पौधा, ये आप देखिए दोस्तों हींग का पौधा है, देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि आप प्रिंसिपल साहब के द्वारा बताया गया है, छोटी इलायची का है, ये छोटी इलायची है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये छोटी इलायची का पौधा है, और यहाँ पे काफी यूनिक चीजें दिखाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं छोटी इलायची का है दोस्तों। और चलिए और मैं आप प्रिंसिपल साहब दिखा रहे हैं, ये पिस्ता का है, ये पिस्ता, ये वाला, ये पिस्ते का दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे पिस्ता का भी पौधा लगाया गया है दोस्तों। ये जो है देखिए चेरी का, चेरी दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ये चेरी का भी पौधा है, और वो चीज क्या है प्रिंसिपल साहब, वो जो है नाशपाती का पौधा, जी जी जी, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सामने आपको दिखाया जा रहा है ना, ये नाशपाती का पौधा है, वो नाशपाती है देखिए बड़ी इलायची है, अच्छा वो छोटी इलायची थी, वो छोटी इलायची थी, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप ये बड़ी इलायची है, ये अमरक देखिए फल अभी लग रहा है, ये अमरक का है, नहीं अमरक नहीं, अमरक 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 स्टार फल होते, स्टार फल देखिए, अच्छा फल लगा है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफी जंगलों में मिलता है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्टार फल बोला जाता है इसको। यहाँ पे सर के द्वारा बताया जा रहा है ये थाईलैंड का जामुन है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सीडलेस होता है, जैसा कि ये बता रहे हैं बीज नहीं होता, अच्छा अच्छा बीज नहीं होता है, अच्छा उसी टाइम पे ये भी फल देता है जिस टाइम पे दूसरा ये वाला फल नहीं, देता नहीं, है, ये मई जून में पकता है, अच्छा जून में पक जाता है दोस्तों। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आप दिखाया जा रहा है ये थाईलैंड का जो है जामुन है, और ये सीडलेस होता है दोस्तों, और ये मई जून के महीने में ये पकना शुरू हो जाता है, और सर यहाँ पे आप देख सकते हैं थाईलैंड का अमरूद जी, काला, ये आप देख सकते हैं इसका जो इसका तना है ना, फल भी काला, ये थोड़ा सा काला है, और दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं ये भी एक काला जामुन, मतलब सॉरी ये अमरूद है, थाईलैंड का ही अमरूद है, और ये कब पकता है सर जी, ये जैसे इनका सीजन है दूसरे अमरूद का, जैसे 1 kg अमरूद हुआ है, जी 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 जी, तो वैसे ही ये सब जो है लीची का पौधा है, जी 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 जी, आते जाइए पा रहे हैं ये सेब का पौधा है दोस्तों, आप देख लीजिए ये सेब का पौधा है, ये आप देख सकते हैं ये सेब का पौधा है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं ये जनपद गाजीपुर में, ये गाजीपुर का एक छोटा सा इलाका है, वहां पे हम लोग मौजूद हैं, ये यहाँ पे यूनिक यूनिक चीज देखने को मिल रहा है दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी दिखाया था, और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, सेब का पौधा है दोस्तों। और मैं आगे लेके चल रहा हूँ, ये जो आप केला देख रहे हैं दोस्तों ना इधर, ये बिल्कुल छोटी छोटी मतलब इसका जो आकार होता है इसका छोटा छोटा आकार है, और बिल्कुल ये जैसा कि बता रहे हैं ये भी कहीं दूसरी जगह से ही लाया गया है, चलिए आते जाइए आते जाइए, यहाँ देख सकते हैं एक नया वेराइटी है बिल्कुल, ये भी थाईलैंड से लाया गया है जैसा कि इन्होंने बताया है। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी दोस्त इस दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे मैनेजर साहब यहाँ मौजूद हैं, सर बताएं इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा, इसका लोकेशन बताएं कहाँ ये स्थित है सर, थोड़ा सा बताएं, ये जो है कि अपना गाजीपुर से 22 किलोमीटर इधर है पहाड़पुर चौराहा, जी जी, चौराहा से 500 मीटर दूरी पे है, जी जी, महमूदपुर पाली, जी जी जी, थोड़ा सा कॉलेज का नाम बताइए, किस स्वर्गीय फौजदार सिंह चौहान जी शिक्षण परिषद संस्थान दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉलेज का नाम है स्वर्गीय फौजदार सिंह चौहान शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, फार्मेसी कॉलेज ये बन चुका है, और ये गाजीपुर में स्थित है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफी चीजों के बारे में ये यूनिक यूनिक चीज यहाँ पे दिखाया गया है, मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि एक बार आप थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए क्या क्या चीज यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। मैं आपको बता दूं काफी चीजों के बारे में आपको दिखाया हूँ, और यहाँ पे हमें सबसे अच्छा ये लगा है कि वानिकी के क्षेत्र में बहुत ही अग्रसर है, और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटियों के बारे में यहाँ लगाया भी गया, जैसा कि मैं आम का दिखाया, अमरूद का बताया दिखाया गया, और थाईलैंड के बारे में थाईलैंड का भी यहाँ पे स्पीसीज लगाया गया, प्रजाति यहाँ लगाया गया है दोस्तों, जैसा कि आप सर के द्वारा आप सुने ही हैं। और दूसरी बात है कि बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।